वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आपां गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी दे विच बैठे हुए, हजूरी दे विच बैठे हुए लगातार एक साल हो गया अपने किसान धरने लगे नूं 7 जनवरी। मेरी बेनती है भी आपां सारे पंजाब दे लोग जेडे बंदी सिंघां लई आपां लड़ाई लड़ रहे हां और दिल्ली भी लड़ाई लड़ के आए हां, खास करके निहंग सिंह जथेबंदियां जेड़ियां ने साथ हिक डा के दिल्ली दे विच दित्ता है और दंदे भी रहणगे। और एक मेरी बेनती है भी आ जिहड़े बजुर्ग साडे किसान, इन्हां नूं आपां ने कामरेड दा जिहड़ा लाभ दित्ता इहनूं खत्म किया जाए। साडे सिख ही बजुर्ग ने, इह सिखां दी लड़के ते हाँ गल कितने फर्क रह गया। दीप सिद्धू दी और इन्हां दी सोच एक जगह ते नहीं खड़ सकी, बस वह फर्क सी। उन्होंने झंडा चढ़ाता उहदा वह हक बनता सी, किसान तसेबंदियां का धरना जिहड़ा उत्थे शांत महीना लाउणा सी वह लाउणा सी। हुण आपां भाई गुरदेव सिंह कौंके की गल करके हटे हाँ, जिन्हां नूं बादलों ने और बेअंते बुचड़ ने, के पी एस गल बुचड़ ने, समेत सैनी ने, वह वीरों ज्यौदे नूं टुकड़े करके वढ़िया ज्यौदे नूं। कई लोग यह सोच रहे हैं क्योंकि मेरे नाल वह 92 दे जेल दे विच, मैं उस दिन 92 दी जेल दे विच सी संगरूर दे विच। भाई कौके का इन्ना दबा सी, खड़कू सिंह का इन्ना दबा सी, नछत्तर सिंह वाई उत्थे रोडे और जिहड़ा लौंगोवाल कांड वाले सारे सिंह उत्थे सी। मैं देखिया दरबारा सिंह जज उत्थे आउंदा सी, अंदर कोर्ट लगदी सी और इन्नियां मिंतां करदा सी। खड़कू सिंह नूं इह कहिंदे सी अज फैसला तय करना है तां उह फैसला हुंदा सी। भाई गुरदेव सिंह कौके की मां उत्थे मुलाकात करनी आउंदी सी, जथेदार नूं अंदरों अंदरला गेट सारा खुलदा सी क्योंकि जथेदार जी जिहड़ी छोटी गेटी उहदे थले नहीं सी आउंदे, माता नूं पूरा गेट खुलदा सी। पर उह लोकां दी सिंघां दी चढ़ाई इह बादलों दे बेअंते बुचड़ वर्गियां तों नहीं सहार होई। अज असीं चेतावनियां दिंदे हां, एक साल हो गया इह चेतावनियां नाल कुछ नहीं बनना। उस टाइम खड़कू सिंघां दी चेतावनी हुंदी सी 7 सकिंट दी और 8 सकिंट बाद फैसला हुंदा सी, पंजाब दे विच लागू हुंदा सी। अज आपां कहने आ भुरन नूं छडाउणा 2 घंटे च छडाउणगे तुसीं लोक 2 घंटे दे विच, पर जिहड़ा दिल्ली तों लाल आउंदा दिल्ली तों पंजाब दे विच आउंदा पंजाब दे विचों वापस सुक्का मुड़ जांदा है। मैं तुहानूं मारन वास्ते नहीं कहिंदा, उहनूं उहदी मौत उहनें आपे मर जाणा है, पंजाब पुलिस भी अपना साथ दूगी भुरन नूं छडाउण वास्ते। जिस दिन उह आउंदा है उहनूं पूरे दा पूरा पंजाब सिख कौम इकट्ठी किसान हो के उन्हें एक जगह से कंट्रोल किया जाए, बिल्कुल भी कोई हथों पाई ना हो, कोई मार नहीं देना, कोई डांग नहीं चलानी, कोई कलकारी नहीं मारनी। उस दिन वो भुलर ने उड़े साइन करके जाऊगा, जे ना हो देख लियो। दूजी गल मेरी बेनती है पूरे पंजाब के लोगों, गदी जिन्हों आप लफ्ज वरतते हैं किनू कहें, सियासत जिड़ी के उपर गधे बैठे ने। हुण चलती है सरपंची की गल, साडे निहंग सिंह घोड़े नूं काबू करदे ने, उहदे गट्टियां दे विच रस्सा पा के पूरा कंट्रोल करदे ने। मैं गल करदा तुसीं उरे बंदी सिंह वाले धरने तों पूरे पंजाब दे विच सरपंच अपने खड़ाओ, किसे दी ताकत नहीं होगी भी तुहाडी सियासत बदल के कोई झाक जे। कहिंदे हुंदे ने जड़ां दे उपरों काबू करो, जड़ां दे उपरों इन्हां दे गट्टियां दे भगवंत मान दे गट्टियां नूं काबू करो। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਛੇਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਖਿਆ ਉਹ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜੜੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
पर मोदी ने साढ़े तीन खड़कू सिंह मरा के उदो वध दुगुना प्रचार करता। अज थोड़ी ढूही ते थोड़ी पिठ ते अमरीका वर्गे देश थोड़ी पिठ ते खड़े ने, पर थोनू समझना पऊगा आ पटाल खाली पिया तुसी रास्ते दे विच खड़े हो गल्लां करदे हो रोटियां ते खड़ियां सिख कौम ओ रोटियां खाण नहीं आए तुसी। आ जिहड़ा पटाल है आपां बंदी सिंह सिधाउणे ने इन्नियां मेरियां समां ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।